राजधानी जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से त्रिवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। रेलवे कॉलोनी स्थित अरावली सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश समेत रेलवे के अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर मुख्य अतिथि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना उद्बोधन दिया। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इंटक ने मजदूरों की आवाज को एकजुट करते हुए आंदोलन किया है। मजदूर वर्ग के हित के लिए राज्य सरकार हर समय साथ खड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है और इंटक के माध्यम से और NFRI यूनियन के माध्यम से रेल कर्मियों की काफ़ी समस्याओं का समाधान आपने देखा होगा एम राघ भैया जी ने और गुमान सिंह जी ने किया है। और आगे भी आप जानते हैं कि रेलों का जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने की योजना बना रही है वर्तमान सरकार, बंदरगाहों को प्राइवेटाइज कर दिया, जो हवाई अड्डे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया और रेल की जो तैयारी हो रही है इसका हम विरोध करेंगे और निश्चित रूप से रेल कर्मियों के हितों की रक्षार्थ जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि निजीकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, मजदूर वर्ग के हितों पर कुठाराघात हुआ तो देश के मजदूर एकजुट होकर सरकार को सबक सिखाएंगे। मेरा ये मानना है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, किसान मूवमेंट जिंदा रहने चाहिए, बदले की भावना कहीं नहीं होनी चाहिए। पहली बार ऐसा देखा गया है जब केंद्र की मोदी सरकार चाहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट चले, चाहे ट्रेड यूनियन के लीडर्स हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे स्टूडेंट लीडर्स हो, जो भी जनता के हित की और अपने वर्ग के हित की आवाज़ उठाता है उनको देश का दुश्मन घोषित कर देते हैं। लोकतंत्र में विरोध सरकार को सही रास्ते पर चलाता है, विरोध की आवाज़ से लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा ये मानना है विरोध की आवाज़ जब भी उठती है तब सरकारों की जिम्मेदारी है उस विरोध की आवाज़ की सुनवाई करना, सुनवाई करके समस्याओं का समाधान करना। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार एयरपोर्ट का निजीकरण कर रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है, BSNL का कर रही है। इन 70-75 वर्षों में जो संस्थाएं बनी जिन्होंने देश को मजबूती दी, ताकत दी, उनका प्राइवेटाइजेशन करके बेरोजगारी की ओर पूरे देश को धकेला जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने बताया कि डॉक्टर एम राघवैया NFIR के महामंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनका सम्मान किया गया है। तो त्रिवार्षिक सम्मेलन जो हमारा यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये हमारे जो NFIR के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एम राघवैया, उनके जनरल सेक्रेटरी के पद पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमें आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी बातें और जो हमारी मांगें चल रही हैं सरकार से, प्रशासन से, जिनमें प्रमुख है जो कि निजीकरण ना किया जाए। तो ये 25 साल में हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन 13 लाख रेल कर्मचारियों का वर्किंग कंडीशन, सर्विस कंडीशंस बहुत इम्प्रूव किए, लेकिन आज भी बहुत समस्या, बहुत चैलेंजेस हमारे सामने हैं। प्राइवेटीकरण को अपोज करना ये हमारा कमिटेड स्टैंड है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। जब सरकार नहीं सुनेगी हड़ताल के लिए भी तैयारी करेंगे। CM गहलोत ने कहा कि भारतीय रेलवे देश को जोड़ने का काम करती है, लेकिन इसके निजीकरण का काम किया जा रहा है। इसी तरह देश में कई काम गलत किए जा रहे हैं। जयपुर से उमेश सैनी, ETV भारत।